वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में राजस्थानी कार्यक्रम की समन्वयक और हिंदी विभाग की अध्यक्ष मैं डॉक्टर मीता शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ राजस्थानी गीतों और कविताओं के माध्यम से राजस्थान के साहित्य और संस्कृति की जानकारी करवाने और हड़ौती अंचल के कवि और गीतकार के योगदान को उनकी कविताओं और गीतों के माध्यम से समझने के लिए इस काव्य पाठ और चर्चा की श्रृंखला में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं हारोती अंचल के महान कवि श्री दुर्गादान सिंह गोड सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के बी और एम के पाठ्यक्रम में आधुनिक राजस्थानी पद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा गीत और कविताओं को समझने के लिए उनकी एक व्यापक दृष्टि से विद्यार्थियों को उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हारोती अंचल के गीतकारों की रचनाएं महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है इनके अध्ययन से गीतों की अंतर्वस्तु और शिल्प विधान को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है 10 अक्टूबर 1947 में जन्मे श्री दुर्गादान सिंह गोड़ हारोती अंचल के एक लोकप्रिय कवि हैं पानी में चांद घुले आंबो हरेो रीजे रे जैसी काव्य संकलन से आपके पूरे हाड़ोती अंचल और पूरे राजस्थानी प्रदेश में आपकी काफी ख्याति हुई है कचनार त्रैमासिक पत्रिका के आप संपादक रहे हैं और कहीं साहित्य अकादमी बीकानेर और कहीं विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित आप लोक धर्म और लोक सृजन के एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूलतः है आप श्रृंगार और प्रेम के कवि रहे हैं तो हम सभी आपके आपके संकलन में से कुछ ऐसे मोती जो श्रृंगार के प्रतीक है प्रेम के प्रतीक है वो सुनना चाहेंगे जी जरूर ये मैं जो गीत पढ़ रहा हूँ गाँव में जवान होती हुई बेटी का चित्र है ये आप देखो और बेटी से जुड़ी हुई अनेक चिंताएं घर के सदस्यों में जो होती है उस सब से ये रचना गुजरती है गीत देखिए आप एक बार न दस दस बेरा अली गली काले वे हेरा एक बार न दस दस बेरा अली गली काले वे हेरा लुक छुप घर के ऊणे खूण लुक छुप घर के ऊणे खूण घूंघट खाच देख बी गुनिया कांच देखी दुल्हन बनने की हूं एक बार न दस दस बेरा अड़ी गली काले हेरा लुक चुप घर के ऊणे खूणे घूंघट खाच देख बी गुनिया कांच देख बी कोई कवे उमर को ओ गण अवस्था का दोष कोई कवे उमर को ओ गण कोई कवे जो बण की मार कोई कवे टोड़ी की हिरणी कोई चोपड़ महली साहर लोग क्या क्या उसे बताते हैं कोई बतावे कामण गाड़ी कोई बतावे कामण गाड़ी और कोई समझे नखरेल कोई बतावे कामण गाड़ी और कोई समझे नखरेल कोई कवेरे चंपासी पाखड़ी कोई बतावे नागर बेल लोग बाग जे जे बतड़ावे लोग दणी जे जे बतड़ावे सबकी साँच बालागी, गुनिया कांच देख बालागी, बाला भावज दाव कितनी चिंताएं रहती हैं घर के हर सदस्य को जवान बेटी की भाव दा ब्यां फिरे चावड़ी दादी चाल सून अड़ी सड़ी जे सुन ले गाँव म बड़ जाके ही मरक खून भरी जवानी अरियो जमानो भरी जवानी अरियो जमानो बड़ तो जो खम दूना दून भरी जवानी अरियो जमानो बड़ तो जो खम जूना दून खाड़ी और नैनासू काज अशिया चपली प्रीत की जून खाड़ली और सू काजल अशिया चपली प्रीत की पढ़ बाकी पोथी में कोई को पड़ बाकी पोथी में कोई को कागद बाँच बालागी गुनिया देख बालागी स्वयं को स्वयं ही देखना निरखना आप देखो एक भाव देखिएगा कतनी लहर पड़ साड़ी कतना कमर पड़ता बाढ़ कतनी लहर उठ साड़ी पर कतना कम अर पड़ता पावा बीचे पड़े भंवर सो लूम रही लावण क बा पावा बीचे पड़े भँवर सो लूम रही लावण के बा नत फरियासू भरो भरोसो नत फरियासू एक कल्पना दुल्हन बनने की नत फरियासू भरो भरो सो लाग गोयो बा आओ गाल नत पहरिया सू भरो भरो सो लाग गोयो बाओ गाल मन म जोड़ मि जान लगावे आंबा की सी बड़कन डाल तन पर देख घी जम तो सो तन पर उम्र के कुछ रुझान और संयम पंक्तियाँ देखो आप पर देख घी जम तो सो पर देख घी जम तो सो मन माँच देख बालागी गुनिया कांच देख बालागी किस तरह के लक्षण हो चले हैं पंक्तियाँ आखिरी पंक्तियाँ गीत की बार बार चूड़ियन टाढ़े बार बार माथा था हाथ बार बार चूड़ियान टाढ़े बार बार मा हाथ पहात सरी की खोड़ करे छे, खुद की सहेलियां साथ खुद, खुद ही खुद सूखा खुद ही खुद न स देवर खुद ही खुद सूखा वे मात शतरंज का एक प्रतीक देखो आप खुद ही खुद सुवर खुद ही खुद सूखा वे मात तोता में ना सौ दिन मांगे ढोला मरवण की सी रात काटता काची केरी काटता काट सुवा की चाँच देख बालागी गुनिया कांच देख बालागी <coughs> गुनिया कांच देख बालागी <coughs> बाला बहुत खूब सर एक दूसरा गीत देखो आप शुरू कर रहा हूँ गाँव में नई नई दुल्हन आती है सारा गांव वहाँ का जनमानस आवाल वृद्ध किस तरह का उसके प्रति कयास लगाते हैं उसके रूप सौंदर्य और उसके श्रृंगार के लिए ये गीत पढ़ रहा हूँ आप देखो मलोक्ति देखी क्या क्या देखा गांव ने घाम घुमाडो लेंगो देख्यो घाम घुमाड़ो लेंगो देखो चमचम करती चूनर देखी हाथ भर्यो चूड़ियांसू देखो काची कौड़ी उमर देखी ढीली ढीली कणकती देखी जी नेणी मुड़कती देखी जी काम गाड़ी मुड़कती देखी हरे घाम घुमा देखियो पंक्तियां हास कर रहा हूँ देखी अतनी मीठी मुड़कण जान सूरदास को भाव देखी अतनी मीठी हाँसी जान सूरदास को भाव कजे कोई पंखुड़ी ऊपर पर वे बवरा का पांव हे मेड़ी चढ़ती उतरती देखी जी कामन गाड़ी मुड़कती देखी जी मेरे गाने नी मुड़कती देखी कैसी लगती है मस्ताती गाती तिराती साजन क संग दूदा भाती मस्ताती गाती तिराती साजन क संग दूदा भाती घायल चाल कुल जो के वे आल हुई चे आती जाती मोट्यारा के खटकती देखी जी मिर्गा मुड़क ती देखी जी कामण गाड़ी मूलक ती देखी स्नान का एक दृश्य देखिए आप कपगल्या रगड़े केश भी गो गाँव का श्रृंगार बड़ा अदब का श्रृंगार खुला श्रृंगार पर अदब का शृंगार पगल्या रगड़े केश भिगोवे जा पगल्या रगड़े केश भि गोवे जल का जीव जानवर मोवे लहर ऊपर तरती सुंदर जान फूल कमल को होवे हे नाती धोती नाती धोती न तरती देख जी मिर्गाती देख जी कामन गाली मूड़ लगती पति जब घर में प्रवेश करता है नायिका की स्थिति क्या है गीत की अंतिम पंक्तियां बोल लेवती कोई मछली लग लग दूजे बोल लेवती कोई मछली क जय हिरणी लग, लग दूजे मरदानी पगवाड़ा का सुर जदरा ही आंगन में गूंजे हे छाती धक धक धड़कती देखी नेणी मुड़कती देखी हरे घाम घुमाड़ो लहंगो देखो चमचम करती चूनर देखी हाथ भर चूड़िया देख्यो कांची कौड़ी उमर देखी ढीली ढीली कणकती देखी नेणी मुड़कती देखी बहुत ही सुंदर रचना सर ये आपकी रही है और इसमें देखा जाए तो एक श्रृंगार के एक संयोग पक्ष का आपने बखान किया है थी थी। इसकी अंतर वस्तु तो हमारी संवेदनाओं को उभारती ही है लेकिन जब अगर हम इसके शिल्प की बात करें इसके रूप सौंदर्य की अगर हम बात करते हैं तो एक नाद सौंदर्य उभर कर सामने आ रहा है अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें सामने आ, आती है मस्ताती गाती इतराती नाती धोती उतरती नतर्ति। हाँ नतरती तो एक अंत्यानुप्रास का जो एक सौंदर्य आपने बांधा है और एक नाद सौंदर्य की एक अद्भुत छटा बिखेरी है वो आप जैसे एक लोग कभी ही कर सकते हैं बहुत खूब रचना ये श्रृंगार का एक दूसरा गीत इसी उस क्रम में दो शब्द इसमें विशेष हैं मुजरो और खमागणी ये दोनों शब्द राजस्थान में दुआ सलाम के लिए काम में आते हैं ख़ासतौर से राजपूत कल्चर में आदमी से औरत के लिए और औरत से आदमी के लिए दोनों समान अर्थों में ये प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द हैं ये दुआ सलाम का एक गीत है कविता किसी एक विशेष समुदाय को देखकर नहीं लिखी जाती है जी जी, और कोई भी गीत वो वो सारे समाज को देख कर लिख, एक पंक्तियाँ देखो आप हे hey गोरी गोरी, गोरी हे गोरी गोरी हे गोरी गोरी गज बण बन बणी ठणी मुजुर मुजरो खमा गणी हे गोरी गोरी हे गोरी गोरी गज बण बणी ठणी खमा गणी हे जी पथारो जादू हो जा जी पथारो का हो जा बसू को राम दणी गोरी गोरी हे गोरी गोरी कैसी सुंदरता राजस्थान की सुंदरता का आँख कशिक जाने, का जाने काम की कमान मुंड बोल हथेड़िया मंदी का मंडाण आँख कशिक जाने काम की कमान मुंड बोल हतेड़ मंदी का मंडाण संता की समाधि टूटे में इनका कोमान संता की समाधि टूटे में इनका कोमान आ कशिक जाने काम की कमान मुंड बोल हंदी का मंडान संता की समाधि टूटे मेन का कोमान हे भगवान भगवान हो गयो कविता की रेंज देखो आप गीत की हे भगवान भगवान हो गयो तू सर की कोई और न बनी गोरी गोरी हे गोरी गोरी क्या है जवानी में जिस तरह की वो बेकली रहती है जिस तरह का उतावलापन रहता है जिस तरह का दीवानापन रहता है जिस तरह के समर्पित भाव रहते हैं एक दूसरे के प्रति की नायक नायिका में उनकी रंगत क्या है उनके प्रति क्या है पंक्तियाँ देखो आप कब भांग को सो जो लो अर सांप की सी डील डील उतार गई मीठो मीठो जर भांग को सो जो लो अर सांप की सी मर डील उतार गई मीठो मीठो न जर ਅਠੀ ਉਟੇ 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 ਦਰਦ ਅਟਪਾਰ ਅਠੀ ਉਟੇ 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 ਦਰਦ ਅਟਪਾਰ ਹੈ ਹਸਰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਤਾਨੂ ਮਾਰਿਓ ਹਸਰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਕਰੀ ਟਿਟੋਲੀ ਕਾਇਮੀ ਨੰਗੜ ਗਿਓ ਹੀਰਾ ਕੀ ਕਣੀ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ हे गोरी गोरी हे आदो आदो चंदन आदो क्या है पुरुष क्या है प्रकृति आदो आदो चंदन आदो आदो पानी गीत की गणगौर मारा छंद की जवानी आदो आदो चंदन आदो आदो पानी गीत की गणगौर मारा छंद की जवानी थसोई जुड़ी च सारी प्यास की कहानी तसुई जुड़ी च सारी प्यास की कहानी हे मिनखा की तो बात छोड़ दे मिनखा की तो बात छोड़ दे देवता पछागी पाप की पानी गोरी गोरी हे गोरी गोरी नरम नज़ क्या चाहता है नरम नजर की झेल जुहार नरम नजर की झेल जुहार जसमानगा तारो मझ मोट्यार नरम नजर की झेल जुहार जसमान नेगा तारो मझ फिर कद करश्या मनवार अरे बार हँस दे मोती दे एक बार हँस दे मोती गिन दे जन्म जन्म तक रे मारिणी गोरी गोरी हे हे गोरी गोरी ए गोरी गोरी सर ये गोरी गोरी सर ये जबण जो आपका गीत है उसी गीत के समान एक समान भाव भूमि वाला एक और गीत मुझे याद आ रहा है कि तू कतनी खूब खुले छ पानी में चांद चाल ऐसी है मजे जण थाली में मूंग रुड़े तो एक वो एक बहुत ही सुंदर आपकी एक अच्छी एक प्रस्तुति रही है एक अच्छा गीत बन पड़ा है वो श्रृंगार प्रधान रचनाओं के क्रम में उस गीत का एक अलग ही महत्व है उसे सर आप बिल्कुल बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा गीत सुझाया है हाँ, हाँ। और वैसे भी मेरा जो संकलन निकला है वो इसी नाम से आपका इसी नाम हाँ। से है पानी में चांद घोड़े से एक छोटा सा गीत है पर बड़ा अच्छा गीत है श्रृंगार की सीरीज में निवेदन कर रहा हूँ देखिए जब कोई अच्छा गांव में पहनता होता हमारे यहाँ शब्द प्रयोग मिला तू कितना अच्छा रहा है तू कितने खुल तू खुदरो इस तरह से कहा जाता तू कतनी तू कतनी खूब खुले छे पानी में चांद घुले छे तू कतनी खूब खुले छे पानी में चांद घुले छे থারি চালি মজে যাড়ি মূগ ডুড়েছে তু কতী তু কত খুব খুলেছে পানি ম চাঁদ ঘুড়েছে থারি চাল আশিয় মিজা জন ਥਾਲੀ ਮਾਂ ਮੂਂਗ ਡੂਲੇ ਚੀ ਤੂ ਕਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਲੱਗ ਛਣ ਗਾਲਾ ਢੀ ਲਕਾਏ ਤੋੜ ਜਾਣੇ ਮੇਲਾ ਮ ਮਸਤਾਤੀ ਦੋਈ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕੀ ਜੋੜ शरीर में जो मस्ती है जो मांसलता है उसका एक प्रतीक देखो आप आशा लागे क्षण गाला ढील काए तोड़ जाने मेड़ा मस्ताती कोई भाईलियाँ की जोड़ आशा लागे क्षण गाला ढील काए तोड़ जाने मेड़ा मस्ताती दो भाईलियाँ की जोड़ कुण न पेता सुअर कुण पाड़े होड़ कुण न पेता सुवर कुण पाड़े होड़ हे ठग्यो रह गयो देख चेरो हर चारण चुगले चे तू कतनी खूब खुले चे पानी में चांद गुड़े चे प्रेम में पहले पहल एक दूसरे से प्रस्ताव करते वक्त पहले पहल प्रेम की बात करते एक एक घुटन सी एक सफोकेशन सा जो है और उसकी घबराहट में जो ललाट पर नायिका के पसीना पन उसकी वो देखो आप उजड़ा ललाट ला पर पसीना को पड़ाओ जान मूर्ति पर ठहर गयो हो स पड़ाओ उजड़ा ललाट ला पर पसीना को पड़ाओ जान मूर्ति पर ठहर गयो हो सपड़ाओ कांच माई तेरे चे कुआ रहा भाव भाओ कांच मई चे मछलियां पानी में तैरती हैं मेरी व्यक्तिगत मान्यता है मछलियाँ पानी में तैरती और लड़कियाँ कांच में तैरती हैं ऊ जड़ा लल्लाट ला पे पसीना को पड़ाओ जान मूर्ति पर ठहर गयो हो पड़ाओ कांच माई तर च कुआ रहा भाव पहली तो दे प्यार को नू तो पहली तो दे प्यार को नू तो हर फेरू बदले छे तू कतनी खूब खुले छे पानी में चांद घूड़े चे नींद का नशा में आख का सौंदर्य देखिए आप उन्हीं दी आंख जिसे अपन कहते हैं क का नींद कान शाम डूबी डूबी थारी आँक नमड़ी पलक जान पखेरू की पाख नींद कान शाम डूबी डूबी थारी आँक नमड़ी पलक जान पखेरू की पाख हे ताड़ूसी होर एक बार बारठ झाँक हे अमग रही जान गंगा जी अमग रही जान गंगा जी जब दो होठ खुल तू कतनी खूब खुले चे, पानी में चांद चे सर एक बहुत ही सुंदर रचना बन पड़ी है तू कतनी खूब खुले छे पानी में चांद घुले छे थारी चाल ऐसी है मजाज थाली में चाल, हाँ। चाल के इस के लिए मैंने इस पूरे गीत को लिखा है मेरा और देखिए सर इस गीत में एक अच्छा बिंब सौंदर्य भी उभर कर आ रहा है एक ऐसा लग रहा है जैसे संगमर मर की कोई मूर्ति है और उस मूर्ति को जब उस पर पानी गिराया जाता है और जो एक दो बूंद उसके ललाट पे रह जाती है वैसे ही एक दो बूंद की जो छवि है वो नायिका के ललाट पे इतनी सुंदर और इतनी पवित्र लग रही है कि, है कि उसकी की तुलना आज की प्रतियोगिताओं से नहीं की जा सकती कोई भी उससे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है आप क्या सोचते हैं जब आप ये लिखते हैं कि कुण नाड़े होड़ ठगे रह गए देख चितेरो और चारण चुगले मतलब आप देखिए उसका नैसर्गिक सौंदर्य आप देखिए कि चुगल गया कभी भी कड़ाचूक हो गया जिसे हम आ, हाड़ोती भाषा में कहेंगे कि कवि कड़ाचूक हो गया है और चित्रकार भी ठगा रह गया आ, तो इतनी सुंदरता इतनी नैसर्गिक सुंदरता का बखान करना एक किस अनुभूति से आप उस वक्त गुजरे हैं आ, कोई भी रचना आ, या कोई भी गीत कोई योजनाबद्ध कुछ भी नहीं होता है मेरी अपनी उसमें जो कुछ भी है वो आकस्मिक रूप से ही कविता में आता है आपका और बोध ही, इतना मतलब जमीन से आप हुआ है। आप कह सकते हैं हाँ। इस तरह की बात आप कह सकते हैं पर मुझे जो संदर्भ हाँ। मेरी कविताओं में आते हैं वो अनायास हैं और कोई सोचा समझा पहले से कुछ नहीं होता है और कविता तो वैसे भी एक ऐसी विधा है जो इसके बारे में आप कोई एक, 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 एक राय कायम नहीं कर सकते हर आदमी की रचना प्रक्रिया हैं, अलग अलग तरह की होती है और मैं इसके लिए जो आदमी के मतलब उसकी विरासत में या उ, उसके आसपास जो कुछ वो देखता है या उससे जो कुछ उसमें जुड़ा हुआ रहता है जो उसके प्राण तत्वों में ख़ास चीज़ें जो होती है, चीज़े हैं वही सब चीज़ें जो उसने भोगा है वही वही आगे उसने जिया है वही हाँ वही आगे जाके और कहीं कहीं सामने आता है एक गीत देखो आप गीत तो ये सारा सारे गीत उसी तरह के हैं पर हर गीत हर गीत का अपना अपना एक मिजाज़ है अपनी अपनी धुन है और ये एक अलग सा गीत है मारा गीता की धैर्याणी कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे कोई एक प्रेरणा होती है अगर हम उसे प्रेरणा कह लें पंक्तियाँ देखो आप मारा गीता की धैर्याणी कोरी माथनी सा पाणी मौसम छ मन बीचे आ जा कर लिया मन की जानी मारा गीता की हे मारा गीता की धैरयाणी कोरी माथनी सा पाणी मौसम छ मन बीचे आ जा कर लिया मन की जानी मारा गीता की पंक्तियाँ से कर रहा हूँ देखिए देख देख ऊ कड़ी पर कालो भौरो रो बैठ्यो अरे देख देख ऊ कड़ी पर कालो भौरो हो बैठ्यो ठुमका देती कबूतरी न फिर कबूतर फेंट्यू देख देख ऊ कड़ी पर कालो भौरो हो बैठ्यो ठुमका देती कबूतरी न फिर कबूतर फेंट्यो अरे मन था आस लगाया एक कुमार सू बैठो हे प्यार बिना सुनी सुनी चे नखरा भरी जवानी मारा गीता की हे, हे मारा गीता की धर्याणी कोरी माथनी सा पानी जो एक अछूतापन होता है प्रेम कोरी माथनी कभ, आगे देखो आप बाकन ली शीत समाधी नागणी गणिक सात सांप जैसा जहरीला जीव भी प्रेम की भाषा को समझता है बाकन ली शीत समाधी नागणी गणिक सात और तोता में ना कर पर सुख दुख की दो बात बान कदी प्यार में से लागी तो कदी क खाई मात हे प्यासो हिरण हेरियो चे हिरणी की आँख में पानी मारा गीता की हे मारा गीता की धरानी कोरी माँ गीत का मिजाज और धुन बदलती पंक्तियाँ देखो आप की भूलें उनका एक प्रतीक चांद चांदनी दारू दर्पण बौरा तितली फू फूल चांद चांदनी दारू दर्पण बौं रात तितली फूल अर इक इक अशी रूपाली सी मो प्यार पाना की भूल कनीणे आओ ने जगाओ सगपण करो कु भूल मुँह बनर पसीनों चो जाऊं तू हो जा पाणी पाणी मारा गीता की हे, हे मारा गीता की धरियाणी कोरी मातनी सा पानी ए मौसम छ मन भी चे आ जा कर लिया मन की जानी मारा गीता की ये आपके श्रृंगार की सारी सीरीज में खास खास गीत जो थे मैंने पढ़े और एक नए मिजाज का एक अलग सा गीत और आजकल ख़ास तौर से ज़्यादा चल भी रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी पर एक एक बंदिश और सामाजिक चिंताओं को करते हुए एक बंदिश हरी जद मांडी तहरीर ब्याह शर्तनामे से शुरू होती है हमारे यहाँ शादियाँ और उनके अंजाम कहाँ तक पहुँचते हैं देखो पना, 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 बेटी हरि जद मांडी तहरीर ब्याव की मंडिया थारा कुल अर खाप भाई मंडियो दलालिया देहरी का पत्थर भाई मंडियो दलालिया ऊपर कु अर कूड़े मंडिया माँ बाप थोड़ा लेख लिख्या विदनान थोड़ा मंड गया अपन आप थई ना नाप बालेख कोयल बन गया नाला नाला नाप जाए सासर जा बेटी लून तेल न गा बेटी सबने ताती रोटी अर तू गाल खा बेटी जाए सासरे जा बेटी पंक्तियाँ देखो आप वह किस रंगत की शिकायतें ससुराल से शादी के बाद आती है वह कवे तू बोल छी खजली बानी न हो जानक। मत उफण ते जाब सरी की पानी न हो जानक क्यों बाग मोडी मारकनी श्याणी न हो जानक उल्टी आज हवा बेटी छाती बांध तबा बेटी सबने दीजे ताती रोटी अर तू गाड़िया खा बेटी जाए सासरे जा बेटी माँ बापों की अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता है बेटी को पराए घर कर देना घनी हरक सु थारो सगपन ठाम ठिकाण जोड़ दियो और मानसिक दबाव जो पेरेंट्स पे होता है अभिभावकों तो तो है दहेज का घनी हर थारो पन, थाम जोड़ दियो पण दहेज का बूझू कोई न बोल सब न कोहरों ओढ़ लियो दन लेख मन मारो सारो खून निचोड़ दियो वह सब सदा सवा बेटी धारा चार कवा बेटी सबने दीजे ताती रोटी और तू गाड़िया खा बेटी जाए सासरे शास्त्रीय अर्थों में बेटी होती क्या है कि कांच कटोरा का और नैन जल मोती मन बेटी दो भार शेष नाग को फण बेटी कांच कटोरा इतनी चीजें टूटने के बाद फिर जुड़ती नहीं है कांच कटोरा और जल मोती मन छी दो भार उठाया शेष नाग को फण बेटी इतनी चीजें हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है अपवित्र नहीं होती तुलसी डाब दियो अर सात्यो पूजा और हवन बेटी कतनों भी खर्चूं तो भी मुँह तुन उरण बेटी रोज आगम ना बेटी रख जे राम गवा बेटी सबने दीजे ताती रोटी और अबला होने का मतलब महिला होने का मतलब मजबूरी या कोई झुकना नहीं है कोई कमजोरी नहीं है गीत का जो संदेश है क्यों मत बैठे थोड़ी पगल झुकी झुकी तान जाम मनक पणोई कोन न को क्यों कशो सम्मान आज आदमी छोटो रह गयो पीड़ा होगी मात स्वाण बेटिया को कतनो भग देखो सतिया को हिंदुस्तान जे दे थन दुआ बेटी वानसीस शीश नवा बेटी सबने दीजे ताती रोटी और तू गाण खा बेटी जाए सासरे जा बेटी तेल न गा बेटी सबने दीजे ताती रोटी और तू गाण खा बेटी जाए सासरे जा बेटी एक आगे दूसरा गीत ए, ये बहू पक्ष का है ये बेटी पक्ष का गीत था जब बेटी दूसरे घर में जाके बहू हो जाती है तो उसको अपने पीहर के दिन याद आते रहते हैं ये पीहर के मोह का गीत है आप देखो उसको ऐसा लगता है मुझे अब भी मेरी सहेलियाँ आके आवाज़ देंगी अभी मैं दौड़ कर अपने खेलने चली जाऊँगी पर वो सारी आज़ादी ससुराल में होती नहीं हेल सहेलियों का साथ सहेलियों को साथ इस गीत का शीर्षक है हेलो लो पाड़ हे को साथ हेलो पाड़ घे हे को साथ नणदल री बखाने देवरियो बिसरावे भात हेलो पाड़ घे हे को साथ अटली मटली गाठ गठेड़ी सोना चांदी भरी मटेली छींक चोचा दरिया चूरमा डूलियां खेली अनखे अर खेली अटली मटली गट गठेली सोना चांदी भरी मटेली छींक छोचा दरिया चूरमा डूलिया खेली हर अणखेली सुगणी भाभी आती रगलिया छेड़ जाती मारी बगलिया साजे दीवाक उजाड़े खोटिया कारती करती चुगलिया चंदन घिसतो सुबरण सूरज प्रातकाल का सूर। चंदन सूरज चंदन घिसतो सुबरण सूरज दूनी बाल तापती रात घे लो पाड़ घे सहेलियाँ को साथ ये सब चीज़ें मुझे बुला रही हैं लौटा रही हैं पंक्तियाँ देगा लग लग ता का तीड़ा संजा गाबो मोर चुगाबो बहन बेटियों के जो तप थे उस, उस, जमाने में लग लग ता का तीड़ा संजा गाबो मोर चुगाबो आशा डाँ ऊबी जड़ झेलिया सगड़ो पोस बारण बसंत बासंत गांव आया संत हठ गोरल के आग मांग्या राम सरी का कंथ बाबुल बिरमा को अवतार बाबुल ब्रह्मा को अवतार अजाम धरतिया की जात हेलो लो सहन शक्ति ऐसी जैसे धरती की होती है और ब्रह्मा का अवतार पिता को कहा बाबुल ब्रह्मा को अवतार और जामन की जाते हे लो। को साथ अब जीवन का क्रम बदला है मेरा अब मुंह भोर बयापन घटकी हाथा हिंडूनी और मटकी बावड़ता लाग जे देर सासू बूंज ले घट घटकी दन चढ़ती न तपी रसोई आंगने हे जो तुलचांसे ही सामरक गाड़ो घट्टी को दन्बर सामरक गाड़ो घट्टी को दूधा भरी गुआडी दोई धनवर धीजो गोरख धंदो धनवर धीजो गोरख धंदो कांडी काया कात कात हेलो पढ़े हे संखिलियाँ को साथ चौदा भवन भवे घट्टी म सगड़ो तपचुल्ला चट्टी म ਪੀਣਗਠ ਜਾ ਬੋ ਗੰਗਾ ਲਾ ਬੋ ਭਾਗੀਰਥ ਤਾਰੀ ਭਗਤੀ ਮ ਆਂਗਣ ਫੇਰੀ ਜੇ ਬੁਹਾਰੀ ਜਾਣ ਸਾਤੂ ਪੀੜਿਆ ਤਾਰੀ तुलछा से ही मन कमायो गाया दूही भजो मुरारी नरगुण गुण नण दल को स्वभाव भाव गाया दूही भजो मुरारी नरगुण गुण नण दल को सो नरगुण नण दल को स्वभाव भाव सरगुण सा जंथारी बात हेलो पाड़ हे सहेल्या को साथ क्यों मानू नण दल सरोस खुद से खुद से प्रश्न खुद का उत्तर क्यों मानू नंदल से रोष लाग जवानी पर दोष या तो सावन की चढ़ी छे जे उड़ जागी काला कोस रसिया देवर को दर्शाओ वहाँ का भाई सू सासु सासू मन की तो मीठी छे पण छे आ करो स्वभाव मंदिर में लो तो मंदिर में लो तो की कर रंबा आसी नात हेलो पाड़ के सहेलिया को साथ सर अभी आपने जो गीत पढ़ा सहेलिया रो साथ जी। उसमें जो पारिवारिक रिश्ते जो सामने आए हैं जी। देवर ननद हाँ। और सास के साथ में जो बहु का सामंजस्य बैठता है और वो ये भी चिंता रखती है कि इनके साथ सामंजस्य बिठाने से मुझे पत्नी पति के साथ भी सम्मान पूर्वक जीवन ग्रहण करने को मिलेगा मतलब एक समझ देखिए आपके अभी जो दोनों रचनाएं अभी आपने की है इससे पहले बेटी और सहेल्यारो साथ तो आपने एक मैं कहना चाहती हूँ कि स्त्री पक्ष का जो एक आपने स्त्री का जो एक अः वो जो पक्ष रखा है एक जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो राजस्थानी परिवेश है जिसमें जहाँ हमारा परिवार जुड़ता है और जहां पर एक चीज की बात आती है सामंजस्य की बात चाहे वो बेटी कविता हो या फिर सहेल्यारो साथ कविता हो एक सामंजस्य की जो शिक्षा आप जो आ, आ, आज की स्त्री को देते हो वो आज के परिवेश में बहुत आवश्यक है आज का जो वैश्वीकरण का युग है उसमें एक अत्यंत आवश्यक है तो ये रचना आपकी बहुत ही प्रभावी बन पड़ी है ज्यादातर हमारे यहाँ ससुराल की परिस्थितियों को हमेशा कड़वा ही कड़वा बताया गया है पर वो सारा भाव इसमें है लेकिन एक मिठास के साथ कई तो गीत हैं साहब जिनमें से एक गीत मैं आप पढ़ूंगा बंबूल जैसे स्वयं अपनी आत्म कथा कह रहा हो इस तरह का गीत है कोई ठुकरावे कोई मान करे, तो भी सगत्या ही दान करे क्या बात है? अपना बासंत्या फूल को मोरी तो रूख बम्बू को कोई ठुकराव कोई मान करे तो भी सगत्या ही दान कर अपना बासंती फूल को मोरी तो रूख बमूल को इस गीत की मुझे प्रेरणा ऐसे मिली आप देखो गांव में जो बच्चियां गरीब बच्चियाँ होती हैं वो सोना नहीं पहन पाती सही उस, बात है उसकी जगह वो बम्बूल के फूलों को अपने कान में लगा और लेती और वो बहुत छोटे-छोटे पीले रंग के बंगाल के फूल होते हैं बस यही से इसकी इस गीत की प्रेरणा मुझे जी, मिली जी। कोई ठुकराव कोई मान करे तो भी सगतियाँ ही दान करे अपना बासंतियाँ फूल को मोरी तो रूख बंगाल को उगियो अरियाले गरियाले कुन से वेमन कुण पाले पूर्ण घर अशी कुआरी छे जे भर झारी गंगा जल डाल रुत नरी मार पणसे से बैठन डेरा ढाले बस थोड़ो सो आसान मपच धूल को मोरी तो रूख बंबू को कोई परवरिश नहीं करता उसकी इस सबके बावजूद भी अपने दमखम से विपरीत परिस्थितियों में जी जीता है रूप मल्यो हो तो, तो रुत ले तो ठग ले तो अरे रूप मल्यो हो तो तो रुत ले तो, ठग ले तो। मारे भी जो बन घूमर खा तो पर कम्मा दी तो पढ़िया बात विधि खोल कसा तो बस ऊबो सोच मनाऊ चूं भूल को मोरी तो रूख बम्बू को कोई कोई ठुकरावे कोई मान करे तो भी सगत्या ही दान करे अपना बासंती फूल को और वो लोग जो समाज में बहुत ज़्यादा प्यारे हैं छाए रहे हैं उन, उन पर एक कटाक्ष देखिए आप का का आम हो यूं प्यार के ऊंक मुंड बस मिठास अरे आम बो यूं हो के ऊं के मुंड बस मिठास अरे पीपड़ मायू गिने लोग के देवता को बास थाई बोलो फेरू बैठे गोमा के पास क्योंकि कांटो छे इतिहास माँ का मूल को मोरी तो रूख बबूल को कोई ठुकरावे कोई मान करे बढ़िया सर एक समाज के यथार्थ को जो दलित और जो हाशे के लोग हैं जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी जो मनोदशा को आपने एक बबूल के प्रतीक के माध्यम से इस गीत के माध्यम से रखा है सर बबूल जैसे सरीखे भावभूमि पर आधारित आपकी कोई एक रचना चलते चलते हम सुनना चाहते हैं क्यों जड़े एक भूख और प्यास पे आधारित गीत किसान की पीड़ा मारा नैन क्यों जड़े रे मारो ही उड़ो बड़े धरती थारा जाया लाल भूखा क्यों मरे नैन क्यों जड़े रे मारो ही उड़ो बड़े धरती थारा जाया लाल भूखा क्यों मरे की गोरा गोरा गाला पे आंसू क्यों ढड़े नैन क्यों जड़े रे मारो ही उड़ो बड़े धरती थारा जाया लाल भूखा क्यों मरे या कांपता हो ते कि तो सुनो या खेत खोदता हाथा की लकीर तो गणो या कांपता हो ते किण तो सुनो या खेत खोता हाथा की लकीर तो गणो की लग लग तो श्याल उड़ो काई रूणी तब तो जेठ मेहनत करता बुजबल था क्या तो भी भूखो पेट कोई पानत करे रे कोई खेता ने अड़े धरती तारा जाया लाल भूखा क्यों मरे नैन क्यों जड़े रे मारो ही उड़ो बड़े धरती तारा जाया लाल भूखा क्यों मरे कर राम राज माई आदि छाया आदि धूप पसीना नाम बब जाव चंपा बरण्यो रूप राम राज माई आदि छाया आदि धूप पसीना नाम बब जाव चंपा बरण्यो रूप यो मुकराणा सो डील गोरी को मोड़ मोड़ जाए बलता टीबा गोरी पगतलिया चाला पड़ पड़ जाए झीणी चून नीड़ी गले रे की उमर डले नैण क्यों जले रे मारो हिवड़ो बड़े नैण क्यों जले रे मारो हिवड़ो बड़े धरती थारा जाया लाल भूखा क्यों मरे आपका बेटी आबाद अब बेटी पढ़ना दूंगो आबाद बेसाख जवान होती हुई बेटी की चिंता बेटी केटी पढ़ना दूंगो आबाद बेसाख जार बाजरा दूणा हो सीने पे आपनी साख पण पड़िया मावठी दूंगड़ा रे फसलां सारी गलगी कर दंदन करता पूतड़ी की दौड़ी मीढ़ियां पड़गी गई क तकदीर की मारी ्यू जड़े रे मारो हिड़ो बड़े नेणिके मारो हीड़ो बड़े मत बिलखे मत तड़फे मारा कान कुर सापू मतर बड़े रीति छात्या ने कोने आम दूध मती झाक में लाडी वे परमेश्वर का बेटा रे वे खावेगा का दाग ते जी जो बू का बेटा करे तो आयो अंधारो च दीप कतले नैण क्यों जड़े रे मारो ही उड़ो बड़े नैण क्यों जड़े रे मारो ही उड़ो बड़े धरती तारा जाया लाल भूखा का क्यों सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की आधुनिक राजस्थानी पद्य साहित्य की विधा को आज आपने अपने गीतों के माध्यम से और समृद्ध किया है जो आपके गीतों की वस्तु और शिल्प का परिचय आज गीतों के माध्यम से हमें मिला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी आपके गीतों ने जहाँ हमें श्रृंगार प्रेम भक्ति प्रकृति की जानकारी दी है साथ ही साथ जीवन के यथार्थ का बोध भी आपके गीतों के माध्यम से आज जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सबका बहुत और विश्वविद्यालय का आभारी हूँ आप सबको धन्यवाद आपने यहाँ हमें बुलाया और मौका दिया